मेहनत का बगीचा। एक बार एक गांव में मनीराम नाम का एक माली रहता था। अपनी जीवनी चलाने के लिए मनीराम दिन में घर घर जाकर मछलियां बेचता और शाम को गांव के एक धनी व्यक्ति रतनलाल के बगीचे की देखभाल करता था। ऐसा मनीराम पिछले 10 वर्षों से कर रहा था। मनीराम उस बगीचे की देखभाल बिल्कुल खुद के बगीचे की तरह करता। वो जब भी उस बगीचे को देखता तो उसके मन में ख्याल आता कि एक दिन वो भी ऐसा ही बगीचा खरीदे। लेकिन उसके पास कभी इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना एक बगीचा खरीद सके। एक दिन मनीराम बगीचे की देखभाल करके घर लौटने की तैयारी कर रहा था कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या ये घर रतनलाल जी का है? जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। क्या आपको उनसे कोई खास काम है? मैंने सुना है कि रतनलाल जी अपने फल का बगीचा बेचने के लिए खरीदार ढूंढ रहे हैं। मैं उनसे उसी सिलसिले में मिलने आया हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। नहीं, इतने कम पैसे में मैं ये बगीचा आपको नहीं बेच पाऊंगा। उस दिन मनीराम ने घर जाकर सोचा कि क्यों ना वो रतनलाल से बगीचा खरीदने की बात करे। उसके पास रतनलाल को देने के लिए उतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सोचा कि उसे एक बार तो रतनलाल से बात करनी ही चाहिए, शायद बात करके कोई हल निकल जाए। पूरी तरह से सोच समझने के बाद मनीराम दूसरे दिन बगीचे में जाता है और रतनलाल से अपने मन की बात कहता है। सेठ जी, आप ये बगीचा बेचना चाहते हैं ना? हाँ मनीराम, सोच रहा हूँ अपना बगीचा और घर बेचकर अपने बेटे के पास शहर चला जाऊं। सेठ जी, मैं आपका ये बगीचा खरीदना चाहता हूँ। आप ये बगीचा कितने में बेचेंगे? ये हरा भरा बगीचा मैं कम से कम 1,000 सिक्कों में बेचूंगा। लेकिन सेठ जी, मेरे पास तो आपको देने के लिए केवल 500 सिक्के ही हैं। तुमने इतने साल इस बगीचे को संभाला है, इसीलिए तुम्हारे लिए मैं दाम कम करके 700 सिक्के कर सकता हूँ। सेठ जी, आपको शहर जाने में लगभग 2 महीना लग जाएगा। क्या मैं अभी आपको 500 सिक्के दे दूं और बाकी के 200 सिक्के मैं अगले 2 महीने में 100-100 करके आपको दे दूंगा? ठीक है, मुझे मंजूर है। मनीराम खुशी खुशी अपने घर जाता है। अब वो अपने बगीचे खरीदने के सपने से केवल 1 महीना दूर था। 1 महीने में 200 सिक्के कमाना मनीराम के लिए आसान नहीं था, लेकिन मनीराम ने दुगनी ताकत और लगन से मेहनत करना शुरू कर दिया। मनीराम अब सूरज की पहली किरण के साथ उठता, वो काम पर निकल जाता। अब मनीराम ने सुबह मछलियों के साथ साथ फल भी बेचना शुरू कर दिया और शाम को उसी लगन से अपने होने वाले बगीचे की देखभाल करता। इस तरह दिन रात कड़ी मेहनत करके मनीराम ने थोड़े थोड़े करके बाकी के 200 सिक्के भी रतनलाल को चुका दिए। आज से ये बगीचा तुम्हारा हुआ मनीराम। और इस तरह अपनी मेहनत से मनीराम ने अपना बगीचा खरीदने के सपने को पूरा किया।